मित्र बहनों, जिस किसी के अंदर परमेश्वर पिता आता है वो भी पिता परमेश्वर के प्यार से जो है भर जाता है, क्योंकि परमेश्वर ही प्यार है, वचन में लिखा गया है। हे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर का प्यार इससे पता हमें चलता है क्योंकि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को भेज दिया, उसने हमारे लिए अपने पुत्र को कुर्बान होने के लिए दे दिया, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारे आने वाली शिक्षा को उसने सह लिया। हे भाई और बहनों, इससे पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। हे भाई और बहनों, उसने हमारे लिए अपने प्राण दे के बता दिया कि मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, तो वचन कहता है हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण दे देना चाहिए। हे भाई और बहनों, क्या आप अपने भाई के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं? हे भाई और बहनों, हर कोई भी अपने भाई के लिए प्राण नहीं दे सकता है, लेकिन भाई और बहनों, कम से कम अपने भाई के लिए नुकसान का कारण मत बनो, अपने भाई को नीचा मत दिखाओ, अपने भाई को नीचे मत खींचो। हे भाई और बहनों, अपने भाई को बदनाम ना करो, अपने भाई की निंदा ना करो, अपने भाई से कम जलो मत, क्योंकि वो आपका भाई है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमसे इस तरह से प्यार किया कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, हमें भी अपने भाइयों का ख्याल रखना चाहिए प्राण देने तक। हे भाई और बहनों, वचन 17 कहता है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाता हो, तो परमेश्वर का प्रेम उसमें कैसा बना रह सकता है। हे भाई और बहनों, कभी कभी दो भाई होते हैं, एक भाई जो है सोचो कि अमीर है, बहुत सारा उसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बच्चे हैं, अच्छा भविष्य है उसके पास, लेकिन और एक दूसरा भाई है उसका अपना, और वो जो है गरीब है, किराए के घर में रहता है, अब तक उसने एक गाड़ी भी नहीं खरीदी है, उसके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बच्चे का सही भविष्य नहीं है। हे भाई और बहनों, पर वचन क्या कहता है, ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लेकिन भाई और बहनों, जब ऐसा होता है तो मसीह लोग कैसे होते हैं, जब ऐसा होता है तो आम लोगों का क्या काम होता है। हे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं, हम अपनी पत्नी के बारे में सोचते हैं, हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं, उसे साइकिल लेके देना है सोचते हैं, उसे गाड़ी लेके देना है सोचते हैं, उसे अच्छी कार लेके देना सोचते हैं, हम अपने लिए अच्छा घर बनाए करके सोचते हैं। हे भाई और बहनों, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। ये वो लोग करते हैं जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर नहीं है, लेकिन भाई और बहनों, जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने उद्धार पा लिया है, जिनको वचन की समझ है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, वो हमेशा कितने भी ऊंचाई तक पहुंच जाएं, लेकिन अपने भाई का ध्यान भी रखते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के ऊपर हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे भाई हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, बपतिस्मा भी ले चुके हैं, परमेश्वर की सेवा भी करते हैं, परमेश्वर के घर में भी आते हैं, दान भी अपना करते हैं, लेकिन भाई और बहनों, अमीर भी बन चुके हैं, लेकिन अपने भाई का ख्याल नहीं रखते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वचन कहता है जो अपने भाई का ध्यान नहीं रख सकता है, उसको देख के उसके ऊपर हंसता है, उसके अंदर पिता परमेश्वर का प्यार भी नहीं है करके वचन कहता है। हे भाई और बहनों, आपको भी परमेश्वर ने आशीष दी है, आपको परमेश्वर ने ऊंचा कर दिया है, आपको परमेश्वर ने सारी कमी घटियों को पूरा किया है, तो पिता परमेश्वर की आपको महिमा करनी चाहिए, और इसके साथ आपको अपने भाई का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपको सारी आशीष मिल गई है, लेकिन आप अपने भाई को देख के आज तक आपने कभी उसकी मदद नहीं की है, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वो भाई जो अपने भाई की मदद करता है, इसका मतलब ये है
कि वो उसका सहारा बनता है, यानी कि वो मदद जो है वो परमेश्वर का जो है प्यार है। अगर परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर रहेगा तो हम अपने भाई की भी मदद करेंगे ऑटोमेटिकली। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं रहेगा तो हम अपने भाई की कभी मदद भी नहीं कर पाएंगे। हे भाई और बहनों, कभी कभी दो